श्री राधे राधे, कैसे हैं आप सभी? आप सभी को मेरा श्री राधे राधे। नारायण जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की यदि कोई कष्ट या फिर उदासी है या फिर नेगेटिव एनर्जी है, तो मैं श्री राधे से प्रार्थना करूंगी कि आपके जीवन से जल्दी हट जाए। घबराएं नहीं, कभी काले बादल रहते नहीं हैं, कभी सूरज की रोशनी भी नहीं रहती है। अगर दिन है तो रात भी है, और रात है तो दिन भी है, ठीक है? चलिए, हमें ईश्वर की परीक्षा समझ के पास करते रहना है ना? तो आज मैं आपकी करंट फीलिंग लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की। बट देखिए, मेरे पास आप लोगों के लिए ऑप्शंस है। कितना सुंदर ऑप्शन है आज आया ना, ये राधा कुंड का है, ठीक है? ये राधा कुंड का चंदन है, और ये चंदनी है, जो दोनों ही चंदन जो है मैं मथुरा से लेकर वृंदावन से लेकर आई थी। बिल्कुल सही, वृंदावन से। तो चलिए, आप इन दोनों में से, दोनों चंदन में से एक चंदन चूज कर लीजिए, येलो चूज कर लीजिए या फिर ये चूज कर लीजिए, ठीक है? राधा कुंड का और ये हमारे वृंदावन बाकी बिहारी का, ठीक है? तो चलिए, हम आपको पहला ऑप्शन लेते हैं, राधा रानी। राधा रानी के बिना कुछ नहीं है, तो ये लेते हैं हम राधा रानी का, ठीक है? तो आइए, आप जल्दी जल्दी इसे अपने यूनिवर्स, अपने एंजल्स और साथ में आपके जो भी देवी पितर हैं, और अपने पार्टनर का नाम लेते रहिए। ईश्वर से अपने हर जो भी आपके दुख परेशानी है, अपने ईश्वर से अपने दुख परेशानी को बांटिए। लोगों से बांटने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो आपकी हेल्प नहीं करेंगे, मजाक ही बनाएंगे, ठीक है ना? तो चलिए, मैं शफलिंग कर लेती हूँ। यदि आप लोगों को शफलिंग नहीं देखनी है तो आप पोज कर सकते हैं, ठीक है? श्री राधे, एक कार्ड आ गया आपका। श्री राधे, नारायण जी प्लीज बताएं, प्लीज डिवाइन हेल्प कीजिए। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं जो अभी इस समय इन वीडियो पे पहुंचे हैं और वीडियो उन तक पहुंची है, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग बताएं प्लीज यूनिवर्स। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, प्लीज यूनिवर्स, एक कार्ड और दे दीजिए हमें। श्री राधे, 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 श्री राधे। चलिए, ये आना चाहता है। ओके, बॉटम डेक देख लेते हैं। ओके, बॉटम डेक में आपका आया है फाइव ऑफ पेंटिकल, जो रिवर्स में है, ठीक है? श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। ओके, ठीक है। आज हम क्लेरिफाई दूसरे कार्ड से करते हैं। श्री राधे, प्लीज यूनिवर्स बताएं, आखिर यहाँ पे टेन ऑफ कप्स क्यों आया है? यूनिवर्स प्लीज बताएं, टेन ऑफ कप्स क्यों आया है यहाँ पे? श्री राधे, श्री राधे, टेन ऑफ कप्स क्यों आया? तो किसी के पार्टनर जो है काफी ज्यादा याद कर रहे हैं आप लोगों को, और मेरे पार्टनर ने जो है मूव ऑन करने की ठान ली है। मेरे पार्टनर नहीं, एक्चुअली क्या, हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं। मेरे व्यूवर्स, जो मेरे व्यूवर्स सोल फैमिली हैं, किन्हीं किन्हीं की बात है जो इस रिलेशनशिप से निकलना चाहते हैं स्ट्रांगली। उन्होंने इस रिलेशनशिप में जो है अपना एफर्ट लगाना तो दूर की बात है, सोचना भी छोड़ रखा है। बहुत अच्छी बात है, उन्होंने अपने आप को डाइवर्ट कर रखा है अपने कैरियर में, अपनी और अदर फैमिली में। और वाओ वाओ, क्या बात है यार, अरे माय गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। सब कुछ होते हुए भी देखो कैसे रो रहा है आपके बिना, ठीक है? नो कांटेक्ट में हो सकते हैं आप, या फिर आप लोगों का जो आपस में बातें नहीं हो रही हैं, और किन्हीं किन्हीं की हो रही हैं तो वो 10% या फिर यूँ कह सकते हैं 20%, बस इतनी हो रही है। बस हाँ भाई, ठीक है, हेलो हाय, बस इतना ही। उनमें इमोशन इमोशन बिल्कुल भी नहीं है, या तो मेरे व्यूवर्स ने या फिर आपके पार्टनर ने जो है इमोशन को दबा लिया है, ठीक है? किन्हीं किन्हीं के पार्टनर जो है अभी जिनका सेपरेशन में है, वो चाहते हैं कि भी मैं अपने पार्टनर के पास जाऊं। और किन्हीं किन्हीं का दो सिनेरियो हैं तो मैं आपको बता दूं। एक सिनेरियो ये है कि भी हमारे व्यूवर्स जो मूव ऑन करना चाहते हैं, और या फिर कर चुके हैं, वो जो है मन ही मन
जो उनके पार्टनर जो है बहुत स्ट्रोंग जो है वापस आना चाहते हैं उनके पास। देखिए क्या बात है यार, क्लैरिफाई किस कौन से कार्ड को कौन से क्लैरिफाई कर रहा है, देखिए आप, है ना। बहुत ही स्ट्रोंग स्ट्रोंग डिसीजन लिया है। जो पहले आपको किसी और के लिए छोड़ के चला गया था ना, वो अब आपके लिए आगे बढ़ रहा है, यानी कि पास्ट लवर जो है आपके पास आगे बढ़ रहा है, ठीक है। जो थर्ड पार्टी में चला गया था, ये भी हो सकता है जो थर्ड पार्टी की तरफ जो गया था, उस बंदे की आंखों की पट्टी ऐसी खोली है डिवाइन ने कि अब जो उल्टा लटका हुआ था ना इस थर्ड पार्टी की वजह से, वो अब सीधा हो गया है। थर्ड पार्टी के कर्मा जो ऐसा मिला है इसको, जो ये सीधा हो गया है आपकी तरफ, गली पकड़ ली है इन्होंने आपके पार्टनर ने, ठीक है। और दूसरी दूसरा ये है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे एक हैप्पी फैमिली आपको देख रहे हैं इस समय, और उनकी एक ही तमन्ना है कि किसी भी हाल में मैं अपने पार्टनर को वापस से पाऊं, वापस से जो है बैलेंस लाऊं अपने रिश्ते में। किसी भी तरह जो मैंने अपने पार्टनर के साथ जितने भी मैंने बुरा किया है, व्यवहार किया है, तो एक बार एटलीस्ट एक बार जो है मेरा पार्टनर मुझे माफ कर दे, उन सभी चीजों को भूल जाए, और जो है मेरे को आगे बढ़ने का एक मौका दे। मैं क्यों कह रही हूँ ये देखिए, बहुत क्या चांसेस बने हैं। टेम्पर जो हमारे टेम्पर है उसको क्लैरिफाई कर रहा है द स्टार, यानी कि उसकी विश भी है किसी भी हाल में, बस विश है कि मैं अपने इमोशन जाके अपने पार्टनर तक बताऊं, उसके जो ओवरफ्लो इमोशन है। और यदि उसने कुछ तीन पांच आपके साथ किया है, तो उस तीन पांच को जो है बैलेंस करना चाहता है, यानी देख रहे हैं एक पैर पानी के अंदर है और एक पैर जो है उसका जमीन पे है, यानी कि एक इमोशन इमोशन जो है इमोशन को भी आप साथ में लेके चलना चाहते हैं, और जो इमोशन से बाहर दिमाग चल रहा है ना, वो भी साथ में लेके चलना चाहते हैं, यानी दिमाग वहां लड़ा रहे हैं जहां से आप उन्हें मिल जाएं, जहां से आपके आने का रास्ता मिल जाए। क्योंकि जो है ये थर्ड पार्टी की तरफ भी बैलेंस करना चाहते हैं और आपकी तरफ भी बैलेंस करना चाहते हैं। हो सकता है आपके पार्टनर मैरिड हो और चाहकर भी आप लोगों की शादी नहीं हो सकती है, तो ये चाहते हैं कि पूरे जिंदगी जीवन भर जो है इसका मेरे साथ बना रहे और मैं इसका साथ देता रहूं, और जो चीज मैंने कभी नहीं दिया, यानी कि आपके पार्टनर ने कभी जो आपको स्ट्रांगली थर्ड पार्टी के लिए छोड़ के गए हैं, उस पार्टनर ने क्या किया, हमेशा जो है आपको पैसों के ऊपर, एक होता है ना कि बस ऊपर ऊपर से दिखावा किया आपके साथ, लेकिन जो असली इमोशन थे ना वो आपकी तरफ से लेके भाग गया, बिना बताए गोस्ट किए आपको छोड़ के भाग गया, अपने सब कुछ उसने जो है थर्ड पार्टी को दे दिया, और आप जो है देखते रह गए कि ये हुआ क्या, जबकि आप जो है मांग रहे थे, हाथ फैला रखा था आपने, ये चाहता तो एक हाथ अपना इधर भी खोल सकता था, लेकिन इसने नहीं किया, ठीक है। और तो अब जो है इसको रिग्रेट है अपने आप पे, और ये जो है आपको जो है अपना इमोशन हर एक चीज बताना चाहता है, जब वहां से लात लगी है, जब इसको अकल आई है, अब जो है थर्ड पार्टी ने ही इसको छोड़ा है, थर्ड पार्टी ने छोड़ा है या ये खुद वहां से निकल रहा है, ठीक है। जो पास्ट में इसने जो आपके साथ किया है ना, वाह माय गॉड, मैंने तो ये देखा ही नहीं, मैंने तो ये देखा ही नहीं। दो दो हैंगमैन यार, ये हैंगमैन जब है ना ऐसे होता है ना, तो बंदा है ना सोचने की स्थिति में नहीं होता है, या बंदी सोचने की स्थिति में नहीं होती है, वो जहां चाहे वहां मूव ऑन कर सकती है, जहां चाहे वहां मुंह मार सकती है, उसका दिमाग ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन जब ये ऐसे आता है ना, तो व्यूअर्स इसका ये मतलब होता है कि वो किसी भी सूरत में आपको ना आपसे इतना अट्रैक्शन फील कर रहा है इस समय, जब आप उन्हें छोड़ रहे, बिल्कुल आपने उनके ऊपर ध्यान हटा दिया है, ये मेरे उन पार्ट ये जो मैसेज है उनके पास रिसीव होगा, जिन व्यूवर्स ने जो है अपने पार्टनर की तरफ से बिल्कुल मूव ऑन की स्थिति कर ली है, वो उनके बारे में 1% नहीं सोच रही है, चाहे वो थर्ड पार्टी में है, चाहे वो कहीं और है, चाहे कहीं मस्ती मार रहा है, रोने धोने वाला जिस जिस व्यूवर्स की रोने धोने वाले स्थिति से वो निकल गई है, अपने लाइफ में फोकस कर रही है, हर और अपने आप को जो है सेल्फ रिस्पेक्ट में दे रही है, ये उनके पार्टनर है
जो अब वो ना उल्टे थे ना, अब वो बिल्कुल सीधे हो गए, डबल सीधे हो गए। उनको ना रात को चैन है ना दिन को चैन है, बस भागना है किसी भी तरह। सोच रहे हैं कि बस यार कैसे, वो आपको ना इस तरह से देख रहे हैं ना कि आप आगे बढ़ रहे हैं इस रिश्ते से, तो उनको ना खुजली हो रही है। उनको ना मतलब आप तड़पते हुए वो देखना चाहते हैं आपको, कि आप तड़पे, उनको बार बार फोन करें, आप उनके पास रीच आउट करें, तो वो नहीं हो रहा है ना इनके जीवन में। इसलिए ये अब जो उछल के अब ये सीधे हो गए और ये आपके पास स्ट्रांगली आ रहे हैं, और ये आएंगे, ये जरूर आएंगे, चाहे आएगी। यदि किसी ने, लड़की हो लड़का हो, चाहे मैरिड हो, चाहे जो भी हो, जितने भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं ना, तो अब उनकी लाइफ में जो है टावर खत्म होगा, और ये बंदा जो ना आने की स्थिति में था ना, वो अब भाग के आएगा। हो सकता है आपके पार्टनर जो है इनर आउट करते हो, कभी आते हो कभी जाते हो, अपनी मर्जी से जाता है आता है, गोस्ट कर जाता है, तो वो एनर्जी जो है आपके जीवन में से खत्म होने वाली है। अब वो आएगा तो सही, लेकिन जाएगा नहीं। वो आएगा लेकिन जाएगा नहीं, क्योंकि उनकी जो हैप्पीनेस है ना, उनकी फैमिली की हैप्पीनेस वो आप में है। उनको खुशियां जब तक नहीं मिलेगी, जब तक आपसे वो कर्म जो है, एक होता है ना कि वे छोड़ के चला गया और रिग्रेट में पड़ा रहेगा, तो पहले जो इस चीज को बंदे को समझ में नहीं आ रहा था ना, अब इसको समझ में आ रही है। अब जो ये है ना बिल्कुल इस तरह भागने की स्थिति में कि मैं कैसे जाऊं। ये देखिए यहाँ पे भी बॉटम डेक से क्या आया है आपके पास, देखिए वाह, ये देखिए, छोड़ के आपको किसी भी तरह खोना नहीं चाहता, और एक्शन एक्शन, और आपके पार्टनर की ना अवेकनिंग होगी है। ये देख रहे हैं, ये जो जजमेंट का कार्ड है ना, अपराइट आया, यानी कि रिवर्स में आया, तो जो ये है ना आपके पार्टनर की जो अवेकनिंग हो गई है, और ये देखिए ऑफर, वाव, ये देखिए क्या बात है यार, टेम्परर को टेम्परर भी आ गया। मतलब अब जो है ना आपके लाइफ से ना थर्ड पार्टी 100% जाएगी जाएगी या जा चुकी है। ये बंदा अब अकेला है, ये कहीं भी हो, आपको ये दिखता होगा ना कि ये हैप्पी फैमिली में, तो ये नहीं, कहीं भी होगा इसको चैन नहीं है। यूनिवर्स ने, डिवाइन ने इसको सीधा कर दिया है, इसकी आंखों की पट्टी उतार दी है अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो ये है आपके करंट पार्टनर की एनर्जी। अब हम देखेंगे कि इनका नेक्स्ट मूव क्या रहेगा आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट मूव के लिए तो मुझे जरूरत नहीं है निकालने की कार्ड, पर फिर भी आप लोगों की तसल्ली के लिए निकाल लेते हैं, और एक कार्ड आपके लिए ऑप्शन में रखूंगी, आप चूज कर लीजिएगा, ठीक है ना। यस और नो का कार्ड, श्री राधे प्लीज यूनिवर्स डिवाइन हेल्प कीजिए, जितने भी मेरे पाइल नंबर 1 के व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर जो है क्या एक्शन लेने वाले हैं। ओह गॉड, ये जो है अपने, इनके जजमेंट हुआ है इनके का जीवन में, यूनिवर्स की तरफ से जजमेंट। यदि इन्होंने कोई आपको जो दुखी दिया है या फिर चीटिंग की है, तो ये कार्मा झेला है इस बंदे ने, बहुत ज़्यादा बहुत बुरी तरीके से कार्मा झेला है। ये देखिए मैंने कहा ना, कर्मा मिला है इसको, इसको कर्मा मिला है, और इस चीज़ से रिग्रेट, इसको इतना वो है ना कि इसके पास कुछ भी नहीं है, बिल्कुल उदास है, बस ये रास्ता देख रहा है कि मैं किस तरह उसी पार्टनर के पास जाऊं, कैसे उसको विश्वास दिलाऊं, कैसे मैं उसे ये कहूं कि हाँ मुझे जो पहले प्यार समझ में नहीं आया था, अब मैं उसकी कदर कर रहा हूं, अब मुझे वही चाहिए। ये रातों को सो भी नहीं पा रहा है, देखिए। और ये आपका पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन ये है कि ये कैसे निकले इस, वाओ ऑब्सेस भी है आपका पार्टनर को। नेक्स्ट एक्शन प्लीज यूनिवर्स बताएं। ओके श्री राधे, ओके, हार्ट ब्रेक है, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक है, या तो आपका इन्होंने किया है, फिलहाल तो इनकी ही एनर्जी है, इनका हार्ट ब्रेक है, और इस ब्रेकडाउन से, स्थिति से ये स्ट्रांगली निकलना चाहते हैं किसी भी तरह, ठीक है। और जब तक ये नहीं निकलेंगे ना, तब तक मुझे नहीं लगता कि ये आपके पास अभी कोई एक्शन लेगा, क्योंकि जजमेंट का कार्ड आया है, जजमेंट के बाद 5 ऑफ कप के कार्ड आए हैं, फिर ये देखिए 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड आए हैं, फिर ये थर्ड पार्टी जो उल्टी हुई है, या फिर इन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया है, अभी फ़िलहाल तो इनका ही हार्ट ब्रेक है, और ये आपको ही याद कर रहे हैं दिन रात,
दिन रात आपको याद कर रहे हैं, ईश्वर से दुआ मांग रहे हैं किसी भी हाल में आपसे की तरफ आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता इन्हें मिल जाए। ठीक है, ये अभी जो है आपके पास जो है, देख लेते हैं इनका एक्शन। प्लीज यूनिवर्स थोड़ी और क्लैरिटी दे दीजिए। ओके, ओ माय गॉड, श्री राधे, बस ये। ओके, ओ चलो कुछ तो आपका है एस ऑफ वैंस। ठीक है, ये एक्शन का कार्ड होता है, न्यू बिगनिंग का कार्ड होता है। तो देखिए आपके पार्टनर जो है, जब तक इनके लाइफ में जो है एक जजमेंट किया है यूनिवर्स ने, देखो कार्मा सबको मिलता है। अगर आप सोचेंगे कि मैंने धोखा दे दिया उसको और किसी को पता भी नहीं चला और उसको भी पता नहीं चला, भाई मैं जान रहा हूँ ये जान रही है, तो ये देखिए आप लोगों का गलत फहमी है। ठीक है, गलत फहमी है, क्योंकि ईश्वर सबको देखता है, आज नहीं तो कल उसको उल्टा मिलता ही मिलता है। जैसा आपने किया वैसा आपको कई गुना भोगना पड़ेगा यदि आपने किसी का दिल दुखाया। तो आपके पार्टनर वही अभी कर्मा झेल रहे हैं उस स्थिति से। अगर ये हार्ट ब्रेक और अपनी दिन रात की चैन इन स्थिति से यदि बाहर निकलेंगे, ठीक है, क्योंकि इनको कहीं चीटिंग भी मिली है, बहुत स्ट्रांगली इनको चीटिंग और धोखा मिला है, बहुत बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक है, मैं क्या ही कहूँ। ये बंदा जब तक इस स्थिति से बाहर नहीं निकलेगा, इसको आपकी तरफ आने का कोई रास्ता नहीं मिल जाता। ठीक है, थर्ड पार्टी को ये पूरा ही डाउन करना चाहता है, अपनी ईगो ईगो में था तो ये अपनी ईगो भी इसकी डाउन है अभी। अगर ये ज़्यादा आपके पार्टनर ईगोस्टिक थे तो वो भी डाउन है। तो ये इन सब चीज़ों से जब निकल जाएगा तभी आपके तरफ आएगा। ठीक है, ये आपकी तरफ आएगा जरूर, क्योंकि न्यू बिगनिंग का कार्ड हमें बॉटम डेक से मिला है, आएगा जरूर, लेकिन अभी कोई एनर्जी नहीं है इसके एक्शन का। देखिए कार्ड बोलते हैं, मैं ऐसे ही बोल दूं कि हाँ भी एक्शन 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 आएगा, नो डाउट एक्शन आएगा, लेकिन आपके पार्टनर को इन सब चीज़ों से निकलने के लिए अभी टाइम लगेगा। ठीक है, टाइम लगेगा। ये देखिए कितना हम क्या कह सकते हैं, एक कार्ड हो गया, दो कार्ड हो गया, तीन कार्ड हो गया, फोर कार्ड हो गया, ऊपर से यूनिवर्स का जजमेंट हो गया। जिसके सर पे अगर ऊपर वाले की लाठी पड़ जाती है ना, तो वो बंदा तो कहीं का नहीं रहता। तो वो हाल है आपके पर्सन का। ठीक है, वेट कीजिए, मैं आपको जो है टाइम और डे बता देती हूँ कि कब कितने तक का हो सकता है। देखिए 5 मंथ हो सकता है, 5 डे हो सकता है, 3 मंथ भी हो सकते हैं। ठीक है, 6 मंथ भी हो सकते हैं, और 11th मंथ भी हो सकता है, 7th मंथ भी हो सकता है। ठीक है, और 10th मंथ भी हो सकता है, या 10 वीक्स भी हो सकता है। तो आपके पार्टनर को अभी टाइम लगेगा। ठीक है ना, अभी पिकर कार्ड ले लेते हैं आपका। आपके मन में जो भी सवाल हैं, दौड़ रहे हैं यूनिवर्स की तरह से, आप डिवाइन से हेल्प मांगना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप जो है, चलिए आप जो है ना अपने वन ले लीजिए, गाइडेंस ही देख लेते हैं। ठीक है ना, गाइडेंस की तरफ से देख लेते हैं। तो आप ले लीजिए 1 पाइल चूज लीजिए, या फिर 2 चूज कर लीजिए। ठीक है ना, यूनिवर्स प्लीज मेरे व्यूअर जो देख रहे हैं उनके लिए गाइडेंस बता दीजिए। प्लीज यूनिवर्स पाइल 1 या पाइल 2 चूज कर लीजिए आप। ठीक है, श्री राधे, प्लीज यूनिवर्स। ठीक है, 1 कार्ड और 2 कार्ड। ठीक है, आप इन दोनों कार्डों को देख लीजिए अच्छी तरह से, आपको जो ज़्यादा एट्रैक्शन लग रहा है, आपकी तरफ खिंचाव हो रहा है, आप उन्हें ही चूज कर लीजिए। ठीक है ना, तो पाइल नंबर, यदि आपने पाइल चूज किया है तो आपका पाइल नंबर 1 देख लेते हैं। ब्राइट फ्यूचर, स्टॉप वरी, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। यानी कि आप जो है ना ज़्यादा थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग मत कीजिए, आपका बहुत अच्छा एक ब्राइट फ्यूचर है, आपको कुछ समझाने की जरूरत नहीं। माँ लक्ष्मी का आपका साथ है, तो आपका जो है कहीं से जॉब ऑफर भी हो सकता है, और आपके जो है जॉब का यदि कैरियर खराब चल रहा है तो वो आपका कैरियर आने वाले समय में चमक सकता है। ठीक है ना, तो ये है आपका पाइल नंबर 1। अब चूज कर लेते हैं हम सेकेंड, जिन्होंने चूज किया है उनके लिए देख लेते हैं।
प्यूरिफिकेशन यानी प्यूरिफिकेशन प्यूरिफाइफेक्शन यानी कि इट इज़ टाइम फॉर ए क्लीन क्लींजिंग डिटॉक्सिकेशन ऑफ योर बॉडी एंड माइंड। ओके, तो ये देखिए आप थोड़ी पढ़ लीजिएगा, कभी आप लोग सोचे कि मैम ने तो बहुत अजीब तरीके से पढ़ा, तो आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इस कार्ड का मैं मीनिंग बता देती हूँ आपको। देखिए आप किन्हीं को ना क्लीन होने की ज़रूरत है, ठीक है। एक होता है ना क्लीन, यदि हम बाहरी बाहर से हमारे हमारे शरीर को कहीं कीचड़ लग जाए, गंदगी लग जाए, तो हमारा हम साफ सुथरे रहे तो हम क्या करते हैं, नहाते हैं ना, नहाते हैं। और तो उससे क्या होता है, यदि हमारे कपड़े गंदे हैं तो हम अपने कपड़ों को धोते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, न्यू कपड़े पहनते हैं। तो आपको ना यूनिवर्स ये कह रहा है कि आप अपने थिंकिंग में पॉजिटिविटी लाइए, नेगेटिविटी से बाहर आइए। यदि आपने जो प्यार दिखाना लोगों की तरफ बंद कर दिया है ना, तो प्लीज़ आप है ना प्यार दिखाइए, ठीक है। अब ये नहीं एक बंदे के चक्कर में आपने औरों से भी दुश्मनी मोल ले ली, ठीक है, उसको साइड में रखिए फिलहाल, आपको यूनिवर्स ये कह रहा है। लेकिन आपके पास जो और लोग हैं ना, और फैमिली और परिवार है और दोस्त हैं, या भी आपको रास्ते उससे में चलते हुए मिल जाते, तो उन सभी के ऊपर हमने प्यार बरसाए, ठीक है। अपने आप को जो क्लीन कीजिए, अगर आपके में सारी जो बुरी यादें हैं या नेगेटिविटी है तो उन सबको उखाड़ के फेंक दीजिए, हटाइए। जब तक हटाएंगे नहीं तब तक आपकी तरफ जो है और यूनिवर्स कैसे पॉजिटिविटी सेंड करेंगे, क्योंकि आपने तो नेगेटिविटी को ले रखा है, जकड़ रखा है, तो वो क्यों करेंगे ना, क्योंकि भाई जब तूने ब्लैक ब्लैक एनर्जी लेनी है तो मैं वाइट कैसे भेजूं, है ना। तो प्लीज़ अपने आप को क्लीन कीजिए, ठीक है। और किसी किसी को है यूनिवर्स ये भी कह रहा है कि भाई अपने कपड़ों पे ध्यान दो, ठीक है, आप कपड़े कैसे यूज़ कर रहे हो। कहने का मतलब ये कि गलत कुछ कलर होते हैं, जो कलर जो हमें मैचिंग जो कलर हमें इफेक्ट करते हैं, ठीक है, तो मतलब अपने कलर पे ध्यान दीजिए कि आप कैसे कलर पहनते हैं। होता है ना कि भी हम कोई अच्छा कलर पहने तो अच्छी फीलिंग आती है, अजीबो गरीब जो मिला वो पहन लिया तो उससे क्या फीलिंग आएगी, ठीक है। तो थैंक यू, आपके साथ जो है एंजल्स के एंजल्स है और एक तरफ प्यार है, यानी कि डिवाइन का भी आशीर्वाद है और आपके पास जो है प्रेम का भी जो है खूब सारा जी भर के है। तो ये था हमारी पाइल नंबर 1 के लिए श्री राधे के तरफ से था। तो चलिए अब हम देख लेते हैं सेकंड पाइल के लिए। ओके, तो श्री राधे राधे सेकंड पाइल वाले मेरे व्यूवर्स जितने भी हैं आप सभी को श्री राधे। आइए आपके पार्टनर का हम देख लेते हैं करंट फीलिंग क्या है आपके पार्टनर की, ठीक है श्री राधे। ओह, आपके पार्टनर की मैं बता दूं, आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा जो है आपके बारे में सोचे जा रहे हैं और भाग के आना चाहते हैं आपके पास, ठीक है। तो आपके पार्टनर की तो एनर्जी मुझे अभी दिखाई दे रही है, क्योंकि आपके पार्टनर जो है बहुत कुछ कहना चाहते हैं। ओहो, बहुत, अरे यार कार्ड उछल उछल के खुद ही पड़ बाहर निकल रहे हैं आपके पार्टनर। सॉरी श्री राधे, प्लीज यूनिवर्स, चलिए देखते हैं श्री राधे। अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा कार्ड निकल गए, इतने कार्ड नहीं चाहिए श्री राधे, प्लीज यूनिवर्स। चलो आना होगा तो आ ही जाएगा श्री राधे। आपके पार्टनर है ना भाई साहब, ये पुल आउट वाला ले लेते हैं। आपके पार्टनर तो नई शुरुआत, वाओ क्या बात है। देख लेते हैं, चलिए श्री राधे राधे 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 श्री राधे राधे। चलिए तो ये मैं आपके कुछ पार्टनर की आपके जो है बता देती हूँ, जिससे कि आपको पता चल जाए कि ये रीडिंग मेरी है, ठीक है।
तो ये जो रीडिंग है जिस भी पार्टनर की, आपके वीवर के पार्टनर की जो निकली है, इन पार्टनर को जो है, इन पार्टनर को आपने या इन्होंने दोनों में से किसी ने चीटिंग की है, स्ट्रांगली चीटिंग की है। इस यहाँ पे जो है कोई थर्ड पार्टी नहीं है, ये आप दोनों की खुद की ही वो है, ठीक है। अब आप दोनों ने किस लिए किसको किसकी चीटिंग की है वो आप देखिएगा। श्री राधे प्लीज क्लेरिफाई करिए, मुझे एक दो कार्ड को क्लेरिफाई करना है, जरा देखते हैं। श्री राधे प्लीज यूनिवर्स बताइए, प्लीज यूनिवर्स बताइए। ओके, किसी ने पास्ट में जो है आपके पार्टनर ने जो है ये रिश्ता खत्म कर दिया था, ठीक है। बिल्कुल, आपके पार्टनर जो है ने पास्ट में ये रिश्ता खत्म किया था, स्ट्रांगली आपको धोखा दे के दिया था, या फिर आपके सामने जो है बोल कर आपको जो कह कर गए कि भाई मुझे ये रिश्ता नहीं रखना है अब, ठीक है। तो आप दोनों का जो है बहुत मेजर मेजर टावर आया था, जिसमें हो सकता है कि आप लोगों में कोई ऐसी बातें हुई हों जिससे कि या तो आपके पार्टनर को किसी ने भड़काया हो, या गलत फहमी के शिकार हो गए हों, उसकी वजह से जो है आपके पार्टनर ने आपको चीटिंग की है। ये देखिए, वाह, मैं कह रही हूँ ना कुछ आपके में कॉन्फ्लिक्स हुआ है। मून का कार्ड है जो झगड़े का कार्ड बताता है, ठीक है। जस्टिस, किसी को यहाँ पे जस्टिस नहीं मिला है, या आपके पार्टनर ने आपको जस्टिस नहीं दिया, ठीक है। आपके पार्टनर ने हो सकता है आपको जस्टिस नहीं दिया हो, तो आपके पार्टनर जो है इस समय जो है आपको जस्टिस देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। आपको जस्टिस देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इनके पास यदि कोई ऑप्शन था तो नो डाउट इन्होंने उस ऑप्शन को अपने जीवन से, अपने लाइफ से निकाल फेंका है। ये जिन पार्टनर की एनर्जी है आपके पार्टनर की, प्लीज आप ध्यान दीजिए। आपके पार्टनर जो है इस समय आपके ही ध्यान में है, ठीक है, आपके ही ध्यान में है। उनको अभी इस समय कुछ कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ये जिनकी भी करंट रीडिंग है, जिनसे भी मैच हो, प्लीज मुझे बताइएगा। ये पार्टनर वो पार्टनर है जो जो अच्छी तरह जानता था कि भी हाँ मुझे यहाँ करना है, ये काम करना है। कोई ऐसा आप लोगों में सिनेरियो बना हो जिसमें जो है ये टावर मोमेंट जो है आपके पार्टनर की तरफ से आया है, स्ट्रांगली आपके पार्टनर की तरफ से ही आया है। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेजर कार्ड आए हैं, ठीक है। और इस बंदे को टावर के बाद इसको एहसास हुआ है कि ये हम एक दूसरे से जो अलग हुए हैं तो हम दोनों की लाइफ खराब हो गई है। ना आप सही से रह रहे हैं, ना ये सही से रहे। रातों की नींद इनकी भी उड़ी हुई है और आपकी भी उड़ी हुई है, ठीक है। द एम्परर को एम्परर कर रहा है, तो आप दोनों ही चाहते हैं कि हमारा जो ये रिश्ता जो है बच जाए। हालांकि आप दोनों में नो कॉन्टेक्ट हो सकता है, आप दोनों में बात नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी वो भी इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं और आप भी इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं, क्योंकि दो दो टेम्परर का कार्ड आया है हमारे पास। टेम्परर को टेम्परर ही कर रहा है, एम्परर ही कर रहा है, मतलब टेम्पर कह रही हूँ, एम्परर को एम्परर ही क्लेरिफाई करता है, जिससे कि आप दोनों की जो है सेम है। आप दोनों ना मिररिंग कर रहे हो, आप भी चाहते हो कि मैं भी अपने पार्टनर की तरफ जाऊं, और सॉरी, आप भी चाहते हैं कि आपके पार्टनर पार्टनर भी आपकी तरफ आए, और सारे सिचुएशन में, सॉरी कोई आ गया था, तो सारे सिचुएशन में, जो दोनों सिचुएशन में आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ भागना चाहते हो, दोनों ही एक दूसरे से मिलना चाहते हो और सॉर्ट आउट करना चाहते हो अपनी इस जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, जो खत्म करना चाहते हैं आप दोनों, ठीक है। तो आपके पार्टनर जो है यही सोच रहे हैं कि भाई बस मुझे अब किसी भी हाल में जाना है और रुकना नहीं है, क्योंकि इनको भी पता है कि भाई आप दोनों मैरिड हो सकते हो। स्ट्रांगली इस पाइल में जो है मेरे जो कुछ व्यूवर्स हैं वो 85% जो है मैरिड है, जो कपल हैं जो अलग हो चुके हैं या किसी भी कारण सेपरेशन में हैं, तो ये उनकी ही रीडिंग है जो अब जो है उनको कोई बात नहीं करनी,
आपके पार्टनर की बता रही हूँ, उनको किसी से मतलब कोई बात नहीं करनी, कोई झगड़ा की मतलब किसी तीसरे इंसान की अब आप दोनों के बीच में कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उनका ये कहना है, उनका ये डिसीज़न है कि भाई अब मैं डायरेक्ट अपने पर्सन के पास जाऊँगा और मैं बिना रुके जाऊँगा और जो है अपने रिश्ते में बैलेंस लाऊँगा, और मैं अब किसी थर्ड पार्टी की हो, चाहे मदर हो, चाहे फादर हो, चाहे सिस्टर हो, चाहे आपके हो, चाहे उनके हो, किसी तीसरे इंसान की अपने दोनों के रिश्ते में, आप दोनों के रिश्ते में नहीं सुनेंगे, ना सुनना चाहते हैं। अब वो जो है बस किसी भी तरह आपको आपका हक देना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें अब ये आप देख रहे हैं, आप उनके आपके पास ना उनकी उनकी खुशियों की चाबी है, ठीक है, खुशियों की चाबी है, और ये एक चाबी, ये देख रहे कैसे ईश्वर की तरह ही, एंजल की तरह ही, मतलब कैसे हेरफेंट, ये एक वो है। आप हो सकता है आपके पार्टनर जो है गवर्नमेंट जॉब में हो, ठीक है। अब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, ये देखिए, ये भी न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, ठीक है, ये भी न्यू बिगिन, ये जो है शुरुआत का ही कार्ड है, न्यू बिगिनिंग का ही कार्ड होता है, ये भी यही कार्ड बता रहा है, ठीक है। ये जो है आपके पास जो है, अगर कोई पैसे की आपके पार्टनर चीट करके गए हो या आपको धोखा देके गए हो, तो आपके पास वो चीज़ भी रिटर्न आ रही है, साथ में जो है प्यार का कप भी आ रहा है, ठीक है। साथ में आपके जो पर्सन को बहुत ही, जब से आप इनके लाइफ से गए हैं तब से इनको सिर्फ एक ही चीज़ याद समझ में आई है कि आप ही वो चाबी है उनके जीवन की, जिससे कि उसको खुशी या अपनापन मिलता है, ठीक है। हमारे पास देखिए कितने कार्ड हैं, अगर आपके पार्टनर जो है ईगो, ज़्यादा ईगो को कॉर्पोरेट करते हैं, तो ईगो को ख़त्म करेंगे, बिल्कुल ईगो को ख़त्म करेंगे। ये देख रहे हैं कैसे एक एक तरफ इमोशन चुरा के गया था, दूसरी तरफ इमोशन लेकर आ रहा है, न्यू बिगनिंग लेकर आ रहा है, ठीक है। अगर किसी का किसी की मैरिज नहीं हुई है, तो उनके पास जो है मैरिज या कमिटमेंट भी आ रही है, तो यहाँ पे जो है आप लोगों के लिए बिग चांस है जो आपका जो है रियूनियन हो जाए, और ये इस वीक से लेकर ये 10-15 डे तक की ही आप लोगों की पार्टनर की एनर्जी है, ठीक है। ये स्ट्रांगली है, आपका पार्टनर जो है एक वीक हो सकता है, 10 डे हो सकता है, या फिर 15 डे हो सकता है। इन दिनों में आपके पार्टनर जो है आपके पास वापस लौट के आ रहे हैं, ठीक है। और ये उनसे भी मैच करेगा जिनकी छोटी मोटी नोक झोंक हुई है, जो हमारी जो एम्परर है, यानी कि जो देख रही हैं या देख रहा है, जो चुपचाप अपने पार्टनर को देख रहे थे कि बस देखते हैं भी ये क्या करता है, ये क्या करता है, क्या एक्शन लेता है, मैं तो कुछ नहीं करूँगी। ये मेरे व्यूअर की एनर्जी है कि मैं तो कुछ नहीं करूँगी, अब मैंने बहुत कर लिया, मैंने इनको बहुत समझा दिया, मेरे को जितना समझाना था मैंने समझा लिया, अब जो करना धरना है अब इनको करना है। तो ये जो है आपको नहीं खोने देंगे, एम्परर के अपने स्ट्रांगली आप मैरिड हो या फिर मैरिड पार्टनर से डील कर रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि दो दो कार्ड, दो दो बार ये उसका आया है, इसलिए बता रही हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखिए एम्परर और एम्परर दोनों ही आ गए हैं, एक कपल बनते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप दो ये रीडिंग उनसे ज़्यादा मैच होगी जो शादीशुदा हैं, जो अभी हाल फिलहाल में हो सकता है 6 मंथ हो या फिर 8 मंथ हो या फिर 9-10 मंथ हो, जो सेपरेशन में चल रहे हैं, ठीक है। या अपने पारिवारिक कोई झगड़ा हुआ हो उनके साथ, कोई बातचीत हुई हो, तो ये जो है उन कॉम्प्लेक्स को ख़त्म होते हुए नजर आ रहा है। देखिए यहाँ भी बॉटम डेक डेक में भी आपके लिए यही चीज़ आई है, नई शुरुआत और किंग ऑफ कप। अब तो मुझे कुछ कहने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, देखिए अगर कार्ड को लेके बैठ गए ना, तो मुझे नहीं लगता कि भी हम सुबह तक यहाँ पे हम रीडिंग को समाप्त कर पाएंगे, ठीक है। तो आप जो है ईश्वर से प्रे करिए कि ये रीडिंग आपकी ही मैच हो जाए, मेरे जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं, आप सभी के जीवन में ये उतरी आए, किसी भी हाल में उतरी आए, हो सके तो आप श्री राधे राधे रानी का जाप करें, जिससे कि आपके जीवन में जल्दी आए। मैं आप लोगों को बता दूं, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, इसका जाप यदि आप दिल से करते हैं, याद रहिए
आपके पास यदि हिम्मत हो तो ही इसका जाप कीजिएगा, ये मेरा कहना है। ये नहीं है कि मैं कहीं से देखकर बता रही हूँ आपको कि नहीं, ये मेरे जीवन में हुआ है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप में हिम्मत है ना सच्चाई को रूबरू देखने की, कि हाँ मेरे को सच देखना है, तो ही आप इस मंत्र को जो है चैटिंग कीजिएगा। आपने एक मंथ से 1.5 मंथ तक यदि आपने ओम क्लीम कृष्णाय नमः का जाप कंटिन्यू किया, 108 माला आप जो भी जाप वाली माला होती है उससे माला के जाप कर सकते हैं, या फिर आप जो लिख सकते हैं 108 बार मॉर्निंग में लिखिए, सुबह लिखिए, मतलब दोपहर को लिखिए, रात को सोते समय लिखिए, जब मन करे तब, जितनी जितनी ज़्यादा करेंगे उतनी ज़्यादा आएगा आपके, मतलब ये तेज़ी से काम करेगा, दिल से करिएगा। तो मैं बता दूं आपके आसपास से लेके जो भी जितने भी लोग हैं नेगेटिव लोग, उन सभी को ये जो है जाप करते के साथ ही जो है ऐसे झाड़ू लग जाएगी, अपने आप ही वो लोग आपसे लोग कटने लगेंगे, दूर हो जाएंगे। जो नेगेटिविटी आपके जीवन में वो दे रहे हैं ना, वो स्ट्रांगली गायब हो जाएंगे वो सभी के सब। और जो आपसे सच्चा प्यार करते हैं वही रिश्ता आपके जीवन में रह जाएगा, चाहे आपका हस्बैंड हो, चाहे आपका लवर हो, चाहे आपके भाई हो, चाहे आपके बहन हो, या फिर कोई ससुराल के लोग हों, चाहे कोई भी हो, चाहे दोस्ती क्यों ना हो जिस पे आप अंधविश्वास करते हो। ये मेरे जीवन में हो गया और मुझे इन सब चीज़ों से ना 1 साल लग गए निकलने में। चलो फिर भी कोई नहीं, मैं फिर भी कान्हा जी का, राधे जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरे जीवन को अगर ऐसा किया है तो उन्होंने सुधार किया ना। और आपको स्ट्रांगली जो है कुछ ना कुछ दे के ही जाएगा, छीन के नहीं जाएगा, आपकी लाइफ को अच्छा करेगा, ठीक है। तो ये थी पाइल नंबर 2। आप लोग बुरा ना माने क्योंकि आप लोगों में एक्शन भर भर के आए थे, तो इसीलिए कोई एक्शन निकालने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप जो है अपने सवाल जो है सवाल जवाब कर सकते हैं, मैं आपके लिए 2 कार्ड कर देती हूँ। ओके, डिवाइन से ही कर लेते हैं, डिवाइन ही गाइडेंस से ही पूछ लेते हैं, ठीक है ना। आप 1 कार्ड 2 कार्ड आप चूज कर लीजिए, श्री राधे श्री राधे। और हाँ, मेरी अगर आप लोगों को जो थोड़ा सा बोरिंग लगती हो मेरी बातें, तो प्लीज़ मुझे एक कमेंट में आप बोल सकते हैं, थोड़ा बुरा लगेगा लेकिन मैं कोशिश करूँगी, मैं इतना नहीं बोलूँगी, ठीक है ना। लेकिन मैं बोलती हूँ तो आप लोगों के फ़ायदे के लिए कहती हूँ, क्योंकि मैं आप अब मेरे पास आप ही लोग एक सच्चे फैमिली हो, श्री राधे। और थैंक यू, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया यार, शुक्रिया। आप सभी के जीवन में खुशियाँ आए, मैं तो बस यही चाहती हूँ, श्री राधे। नंबर 1 नंबर 2, ठीक है। चलिए, पहला कार्ड जिन्होंने भी चूज़ की कर लिया आपने, तो पहला यदि चूज़ किया है तो देख लेते हैं। ओ वाह, दोनों के लिए एक ही मैसेज, क्या बात है यार। तो ब्राइट फ्यूचर आ रहा है आपके लिए भी, स्टॉप वरी, यानी कि आप जो भी नेगेटिविटी कर रहे हैं वो सब छोड़ दीजिए, सोचना भी छोड़ दीजिए, करना भी छोड़ दीजिए, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन, यानी कि जैसा चल रहा है वैसे चलते रहिए और अपने आप को रिलैक्स रखिए, ठीक है ना। सेकंड कार्ड आया है आपका रिसिप्टिविटी, ओके, अलाउ योर सेल्फ टू रिसीव, यानी कि आप अपने योर सेल्फ को जो रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। दिस विल इन सिक्योर्स योर इंट्यूशन एनर्जी एंड एबिलिटी टू गिव टू अदर, ठीक है। तो आप जो अपने योर सेल्फ जो काम कर रहे हैं ना, डिवाइन आपको कह रहे हैं जिस योर आप अपने आप पर जो काम कर रहे हैं, तो जो आपके और जो साथ में हैं, आप इन दिमाग में जो आपके चल रहे हैं जिससे आप इनसिक्योर हो रहे हैं, और तो आप वो इनसिक्योर होना छोड़ दीजिए, ठीक है। आपका जो इंट्यूशन कह रहा है आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। यदि आपको कोई विज़न आ रहा है तो उस विज़न को बार बार देखिए, कोई चीज़ आपको बार बार दिखाई दे रहा है या फिर एंजल नंबर दिखाई दे रहा है तो उस एंजल नंबर को आप जो है रीड कीजिए कि आखिर डिवाइन आपसे क्या कह रहे हैं, ठीक है ना। और तो आप जो है, और साथ में जो है आपकी इस एनर्जी को देखकर जो आपके आसपास के जो है जेलस जो करते हैं आपसे, वो ठीक ही करते हैं, तो वो अपने वो इनसिक्योर हो रहे हैं कि भाई कहीं हम इसे खो ना दें, कहीं हमसे दूर ना चली जाए, तो आपके जो योर सेल्फ को देख के ना उनको घबराहट हो रही है
या आपके पार्टनर को घबराहट हो रही है, इनसिक्योर हो रहे हैं कि वो कहीं मुझे छोड़ तो नहीं देगी, ठीक है ना। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर कुछ रीडिंग में ये क्या फ्लेम, ओ माय गॉड, फ्लेम देख रहे हैं आप कितना ब्लैक हो गया है, पर्पल कलर है एक्चुअली में, होता नहीं है। और एक ब्लैक, एक मिनट, ठीक है। तो इससे ना ये है कि अगर थर्ड पार्टी कोई आपके जीवन में अगर है, तो वो उस जो भी उसने छिपा रखा था ना, जो छिपा रखा था, तो मतलब झूठ सच जो आप लोगों को अलग करने के लिए जो उसने चाले चली होंगी, या फिर कोई दिमाग दौड़ाया होगा उसने, तो अब है ना वो सारी चीज़ें ना ऊपर आ गई हैं। यानी कि आपके पर्सन को अब सब कुछ सब सच सच दिखाई दे रहा है, जो सही है गलत है उस चीज़ों में आपके पार्टनर जो है, अब उसको क्लियरिटी हो गई है, ये फ्लेम ये बता रहा है, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू, गुड बाय। अब मिलेंगे हम लोग अगले रीडिंग में। आप सभी को श्री राधे राधे। और इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ श्री राधे राधे बोलना ना भूलें।